दोस्तों रॉयल गार्डन में हम पहुंचे हैं। यहाँ के अंदर का नज़ारा देखने के लिए क्या कुछ खासियत है रॉयल गार्डन की, तो देखिए आपको दिखाना चाहूँगा मैं। हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। ये यहाँ पर सामने जो है वो रूम बनाए गए हैं जहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, और इधर ये गार्डन, ये नज़ारा देखिए। सामने जो है वो स्टेज बनाया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए ये स्टार लगाए गए, कितना शानदार लग रहा है ये नज़ारा देख, आप देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को, कैमरामैन को गुजारिश करेंगे कि एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को। और इधर गार्डन के अंदर आप देख सकते हैं कि स्पेस भी है काफ़ी। और सबसे अच्छी बात क्या है इस गार्डन की, कि यहाँ पर आकर आप लोग जो बड़े शहरों, खासकर अगर दिल्ली की बात की जाए, उनसे कम रेट में या आधे रेट में, कम रेट में, सुफिशियंट रेट में यहाँ पर आप शादी का मज़ा ले सकते हैं। उधर तंदूर के लिए बना पूर्ण रूप से अंदर की गई है। हॉल में हम जाना चाहेंगे, जो हॉल अंदर से बना गया उसका भी जायज़ा लेंगे। आइए ये देखिए, तो ये अंदर जो है हॉल है, कि किसी कारणवश अगर बाहर कोई बाधा, बारिश वगैरह आती है तो आप, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर शादी के लिए आप, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आप ज़रूर आइए और शादी का लुत्फ़ उठाइए। रॉयल गार्डन बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको बना गया है। तो दोस्तों ये थी विशेषताएं। देखिए आपने किस तरीके से अंदर से जो है रॉयल गार्डन सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ की भव्य चीज़ें हैं, और इन सब के पीछे, इन चीज़ों को बनाने में किसका हाथ है, कौन प्रेरणा स्रोत बना देवेंद्र जी का, आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी। देवेंद्र जी कौन रहा है? मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगतीराम जी, इस इनकी विरासत से मुझे सहयोग मिला। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने, देवेंद्र जी ने सही कहा कि माँ बाप की अगर आप सेवा करते हो तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते हो। सोनीपत से सिकंदर दहिया के साथ संसार क्रांति की रिपोर्ट।